प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। इन तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की उनकी टीम डिटेल लीडर ने प्रधानमंत्री का दरवाजा खोला। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी, सबका अभिनंदन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हाथ हिलाकर दर्शक दीर्घा में उन्होंने सबका अभिनंदन स्वीकार किया। और अब प्रतीक्षा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। इस बार जो खास बात यह भी है कि इस बार गणमान्य व्यक्ति जो इस सेरेमनी का हिस्सा होंगे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाहर निकलती हुई। बिल्कुल, और उनका इंतजार भी अब होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब द्रौपदी मुर्मू यहां से निकल रही है। एक ऐसी परंपरा जो बहुत सालों से चली आ रही है और गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक ही इसको कहिए कि आप ये बीटिंग द रिट्रीट है। और जिस लिहाज से हम बार बार जिक्र कर रहे थे स्वदेशी की, जिस गाड़ी का जिक्र गौरव ने कर दिया, ड्रोन, स्वदेशी ड्रोन की बात होती रही है, तो एक तरीके से आप जो मेक इन इंडिया की बात करते रहे हैं, आप स्वदेशी की जो बात करते रहे हैं और पूरे देश को उसमें आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं, उसकी झलक भी दिखी है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू इस वक्त राष्ट्रपति भवन से निकलते हुए थोड़ी देर में, और ये राष्ट्रपति अंगरक्षक 1773 में इसका गठन हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स इनको कहा जाता था, उसके बाद वाइसरॉयज बॉडीगार्ड्स, और अब स्वतंत्रता के बाद 1950 में जब भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950, फिर ये कहलाए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने, अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। अब कमांड, वर्ड ऑफ कमांड उनका होगा, राष्ट्रपति को अपनी तलवार चूमकर उनका स्वागत करेंगे, वो गाड़ी में बैठेंगी और फिर यही सजीले 46 घुड़सवार राष्ट्रपति को लेकर मुख्य द्वार से, ये मुख्य द्वार केवल राष्ट्रपति के लिए खुलता है, वहां से उनको लेकर रायसीना हिल, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक एक तरफ साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल से लेकर विजय चौक पर जाएंगे। सुनिए, राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे, राष्ट्र सल्यूट मध्य देख। The President's bodyguard, also referred to as the PBG, their commandant, Colonel Mercedes गाड़ी स्ट्रेच लिमोजीन वो लग गई है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। राष्ट्रपति को लेकर अब ये काफिला मुख्य द्वार, जो सेंट्रल गेट है राष्ट्रपति भवन का, उससे ये निकलेगा। और जनरल सहाय, ये केवल राष्ट्रपति के लिए और विशेष दिनों पर ये खुलता है इस तरह के सेरेमनीज के लिए। गौरव, हाँ, ये हर कंट्री में चलता है और स्पेशल ओकेशंस में ही वो मेन गेट खुलता है और हमारे भी राष्ट्रपति भवन का मेन गेट खुलता है इसके लिए। गौरव, मैं एक चीज और इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जी, कि अगर आप देखिएगा ये सारा सेलिब्रेशन या मीटिंग रिट्रीट वगैरह वगैरह, इसमें तीन चार चीजें बड़ी महत्व है। एक, नारी शक्ति हमारे प्रेसिडेंट, दूसरी प्राचीन सभ्यता जिसको हम फॉलो कर रहे हैं 1700 या 1950 या उससे पहले की जी, दूसरी है कि आत्मनिर्भरता जिसमें आप ड्रोन देखेंगे, और चौथा जो मैं हर टाइम बोलता हूं, इन सबको देखे आत्मविश्वास हमारे भारतीयों में कि हम सब समेट के साथ में चल रहे हैं। जी, पुराने ट्यून जैसे अबाइड बाई मी के बारे में आप बात कर रहे थे जी, हमारे देश में कितने लोगों को अबाइड बाई मी के बारे में पता है, गाने के लफ्ज पता है, पर ऐ मेरे वतन के लोगों, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़,
वो पहुंच चुके हैं विजय चौक, उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती धनखड़, और अब वो अपनी अपने स्थान पर बैठेंगे क्योंकि अब सभी की निगाहें होंगी उस भव्य तस्वीर पर। वो तस्वीर एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीछे राष्ट्रपति भवन, और ये काफिला सजीले घुड़सवार, हर घुड़सवार 6 फुट लंबा है, हर झाला 15 फीट लंबा है, हर घोड़ा उसको भी बहुत ही ध्यान से चूज किया जाता है जनरल सहाय, जिस तरह केवल पहले ऑस्ट्रेलियन हॉर्सेस इसका हिस्सा बनते थे, केवल वही घोड़े जिनकी खास ट्रेनिंग होती थी इन सेरेमनीज के लिए। गौरव, ये घोड़े स्पेशल हैं और हजारों में से ये एक दो चूज होते हैं, और उसके अलावा उनकी जितने भी सैन्य शक्ति है उसके साथ में भी घोड़ों की ट्रेनिंग चलती है, क्योंकि बैंड बजता है, ब्यूगल बजता है, या 21 गन सलूट होता है, वो घोड़े नहीं हिलते हैं, और वो केवल घोड़े जो घोड़ सवार है उसके घुटनों के इशारों से राइट लेफ्ट सीधा चलते हैं। अगर आप देखिएगा बिल्कुल ये घोड़े बिल्कुल शांत प्रकार से अपने कार्य पूरा कर रहे हैं।